हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा झबला कटिंग और स्टिचिंग का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हम झबले की थ्योरी और कटिंग सीख चुके हैं, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले झबले को देखिए। इस तरह से हमें जो हमने झबले की कटिंग की थी उसके सबसे पहले हमें आर्म होल को इस तरह से फोल्ड कर इन पर सिलाई लगानी है। सबसे पहले हम आर्म होल के दोनों भागों को इस तरह से फोल्ड कर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए अब हमने यहाँ इसके दोनों कॉर्नर पर सिलाई लगा ली। आर्म होल जो हमने कटिंग किया था वहाँ पर हमें दोनों साइड इस तरह से फोल्ड करना है। इसके बाद हम ऊपर गले की साइड, देखिए ये हमने जो ऊपर गले का या कंधी का हमने निशान लगाया था वहाँ हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो हमें यहाँ 1 या 1.5 इंच इतना फोल्ड करना है और हमें बीच में इसमें जगह रखनी, जैसे हम नाड़ी देखते हैं उसमें जैसे नेफा बना हुआ रहता है वैसे ही हमें इसमें बनाना है। देखिए इसे ऊपर से लगभग 1 इंच इतना फोल्ड कर हमें कॉर्नर पर सिलाई लगानी है और बीच में हमें इसे ओपन रखना है, बीच से हमें नहीं सिलना है। इसे कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे तो बीच में इस तरह से नाई डालने के लिए हमारे पास जगह बन जाएगी। देखिए इस तरह से सेंटर से ये खुला होना चाहिए। अब हमने ये भाग तैयार कर लिया है, इसमें आर्म होल में हमने सिलाई लगाई है और ऊपर गले में। इसी तरह हमें दूसरा जो भाग है हमारा इसका वो भी तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये हम तैयार कर लेंगे। ये दोनों भाग हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम एक साइड फिटिंग लगाएंगे। देखिए इसमें हम एक साइड से इसको जोड़ देंगे, दोनों भागों को एक तरफ से जोड़ना है हमें, अभी दोनों तरफ से नहीं जोड़ना है। हम फ्रिल लगाएंगे उसके बाद हम इसे जोड़ेंगे। देखिए एक तरफ से मैं इस तरह से इसमें सिलाई लगा रही हूँ। देखिए यहाँ पर हमने इसे एक तरफ से जोड़ लिया, एक साइड हमारी खुली है और एक साइड हमारी जुड़ी हुई है। इसके बाद यहाँ फ्रिल मैंने दूसरे कलर की फ्रिल काटी है, आप चाहें कपड़े के सेम कलर की फ्रिल भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी काटी है और फ्रिल जितना आप राउंड आपका सर्कल हो झबले का उतनी ही काट सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी काट सकते हैं ताकि आप छोटी छोटी चुन्नट उसमें लगा सकें। देखिए इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर सिलाई लगानी है। हमें इस तरह से इसे बराबर कर कॉर्नर पर सिलाई लगाते जाना है। पूरी फ्रिल में हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर ये पट्टी तैयार कर ली है। इसके बाद अब हमें झबले में नीचे की साइड हमारे जो घेरा है उसमें फ्रिल लगाएंगे। तो इसके लिए हम एक साइड में जहाँ हम देखिए इस तरह से हम छोटी छोटी सी चुन्नट डालते हुए इस तरह से पूरे घेरे में इसको लगाना है। अगर आपने इसका कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में आपको इसका वीडियो दे दूंगी, आप कटिंग का वीडियो भी वहाँ जाकर देख सकते हैं। देखिए इस तरह से पूरे घेरे में हम यहाँ फ्रिल लगा लेंगे। जिस साइड से हमारा खुला हुआ भाग है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कपड़े को हमें सीधा रखना है, उसके बाद ऊपर से हम फ्रिल लगाएंगे। हमारा जो झबला है वो सीधा है और उसके ऊपर ही हमें इस तरह से कॉर्नर से इसको अटैच करते जाना है। छोटे छोटे से हम सल देते जाएंगे और इसे लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से
देखिए पूरे झबले में हम इस तरह से छोटे छोटे सल देते हुए इसे कवर कर लेंगे। आप चाहे तो सेम कलर की पट्टी भी ले सकते हैं, पर अगर आप डिफरेंट कलर की पट्टी लेंगे तो देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा। देखिए इस तरह से हम पूरे हमारा जो भी घेरा होगा उसमें इस तरह से फ्रिल लगा लेंगे। देखिए इसके बाद हमने यहाँ फ्रिल लगा ली है। अब इसके बाद हम इसे पलट देंगे और एक चपटी सिलाई हम ऊपर से लगा देंगे। हम फिनिशिंग की सिलाई हमें हमेशा लगानी चाहिए ताकि जो भी हमने सिलाई लगाई है वो अच्छे से दिखे। देखिए इस तरह से ऊपर से हम, या तो आप अंदर के भाग से भी लगा सकते हैं या ऊपर से भी हम इसे चपटी सिलाई लगा सकते हैं। पूरे घेरे में आप इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। देखिए हमारी फ्रिल लगकर तैयार हो गई और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है दोनों कलर का कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद हम एक साइड से जो हमारी खुली हुई साइड है उसे भी हम बंद कर लेंगे। इसे भी हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम इसमें डोरी बनाएंगे, तो इसी कलर की मैंने डोरी बनाई है। अब 1 या 1.5 इंच चौड़ी इस तरह से पट्टी ले लीजिए और उसे भी इस तरह से कॉर्नर से सिल कर हम इसे पलट देंगे। इसको पूरी सिलने के बाद हम पलट देंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम डोरी बनाएंगे, तो डोरी के लिए देखिए इस तरह से आप कपड़े को कॉर्नर से सिल दीजिए। जैसे हमने फ्रिल की पट्टी बनाई थी वैसे ही हमें यहाँ डोरी तैयार कर लेनी है। हमें इसे कॉर्नर से सिल देंगे और उसके बाद हम इसे पलट देंगे। देखिए इस तरह से आप डोरी तैयार कर लीजिए। हमने इसे एक भाग से खुला रखा है और दूसरी साइड जो हमारी डोरी की दूसरी साइड है उसे इस तरह से पैक कर दिया है। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर डोरी को पलटना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हमारी डोरी की जो बंद वाली भाग साइड है जिसे हमने पैक किया था वहाँ पर हमें इस तरह से सुई से टाका लगाकर उसमें धागा अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से आप एक बार उसमें सुई अटैच कर लीजिए। इसके बाद हम जो ये बाहर वाली साइड है उसे इस तरह से अंदर की साइड पुल करेंगे। हमें अंदर ले जाना है उस कपड़े को, अंदर की साइड पुल करेंगे। हमने जगह छोड़कर यहाँ पर सिलाई लगाई है। देखिए इस तरह से अंदर की साइड हम इसे पुल करते जाएंगे और दूसरी साइड से हम इसे बाहर निकाल लेंगे तो ये सीधी हो जाएगी। देखिए इस तरह से दूसरी साइड से हमें इसे बाहर निकाल लेना है। आपको इसमें ज़्यादा पतली डोरी बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप बेल्ट की तरह यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इसे सीधी कर लीजिए। इसके बाद हम इसे हमारी यहाँ गले में अटैच करेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर अटैच करना है। पिन की सहायता से इसे अंदर लगा सकते हैं आप, जैसे हम नाड़ी वगैरह डालते हैं उसी तरह से हमें इसे। देखिए एक साइड नाई डालने के बाद उसको आप फिर दूसरी तरफ दूसरे भाग में भी इस तरह से डालेंगे। देखिए यहाँ दोनों भाग में हमने इस तरह से हमारी जो हमने डोरी बनाई थी उसे डाल लिया है और ये भाग हमारा रहेगा, ये कंधी के लिए रहेगा और एक साइड से आप इस तरह से इसे बांध सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारा बेबी गर्ल झबला जो बनकर तैयार हो गया। समर के लिए काफ़ी अच्छी ड्रेस होगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।